When AS started. AS10 property planner equipment, one of the most important concept, one of the most important AS. ये biological asset क्या होती है? What do you mean by property plant and equipment? PP की definition. Next point, measurement of PP. Cost के अंदर क्या क्या आता है? Normal credit term मतलब क्या है ये? Consolidated price है. हाँ मुझे भी दिख रहा है consolidated price है. क्या है ये? When AS ended. ध्यान से सुनिएगा. तुमने व्हाट इज पीपी पढ़ा सबसे पहले. व्हाट इज पीपी के बाद तुमने क्या पढ़ा? दो कंडीशन थी और उसी के अंदर तुमने इनिशियल रिकॉग्निशन पढ़ा था. उसी के अंदर तुमने कॉस्ट पढ़ा था. कॉस्ट के अंदर तीन चीजें पढ़ी थी, ठीक है? और उसके बाद उन कॉस्ट के डिफरेंट केसेस पढ़े थे. डिफरेंट केसेस में तुमने पहला एक्सचेंज पढ़ा था. एक्सचेंज के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी पढ़ी थी और अगर दोनों काम नहीं आएंगे तो फिर बुक वैल्यू पढ़ा था. फिर उसके बाद तुमने ग्रांट पढ़ा था. आगे पीछे चल सकता है. ग्रांट पढ़ा था, याद है कि नहीं? AS12. फिर तुमने बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म पढ़ा था. कैश प्राइस इक्विवेलेंट पढ़ा था. फिर तुमने कंसोलिडेटेड प्राइस पढ़ा था. फेयर वैल्यू के प्रॉफिट. फिर तुमने फाइनेंस लीज पढ़ा था, ठीक है? तो कॉस्ट के कैसे हो गए? फिर तुमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था. डे टू डे सर्विस कॉस्ट कहां जाती है? डे टू डे मेंटेनेंस कॉस्ट कहां जाती है? पेंडल. पर तुमने फिर रिप्लेसमेंट मेजर इंस्पेक्शन पढ़ा था. अरे इंजन अलग और वो अलग, याद है कि नहीं? तो तुमने पढ़ा था कि नए पार्ट को कैपिटलाइज करेंगे, पुराने पार्ट को डीरिकॉग्नाइज करेंगे. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है. फिर तुमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था. तुमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन कंपोनेंट वाइज लगता है, लगता कि नहीं? बैलेंस शीट डेट पे तुमने बोला कि हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करना पड़ेगा. रिव्यू करना पड़ेगा कि ठीक है कि बेटर कि नहीं है. और रिव्यू करने पर पाया गया कि नहीं ठीक नहीं है, चेंज करो एस्टीमेट को, तो कौन सा इफेक्ट? याद आ रहा कि नहीं? फिर तुमने पढ़ा था सेसेशन और डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देंगे. कब बंद करेंगे? याद करो, जब रेसिडुअल वैल्यू बढ़ जाए, कैरिंग अमाउंट घट जाए, या फिर रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेड फॉर सेल, या फिर डीरिकॉग्नाइज कर दिया. बोलो याद है कि नहीं? ठीक है. उसके बाद तुमने मेजरमेंट एंड बैलेंस शीट डेट पढ़ा. तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं. कॉस्ट मॉडल में तुम ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप लगाते हो, इंपेयरमेंट को इग्नोर करो, छोड़ दो. उसके रेसिडुअल वैल्यू रिवोल्यूशन मॉडल को क्या करते हो? फेयर वैल्यू. बोलो बेटा. और फेयर वैल्यू करने के बाद भी फिर से तुम्हें डेप्रिसिएशन पे लगाना ही पड़ता है, याद आ रहा है कि नहीं? फिर तुमने रिवोल्यूशन की मैंने तुम्हें टेक्निक बताई थी, ग्रॉस टेक्निक, नेट टेक्निक. ग्रॉस में तुम परसेंटेज निकालते हो, नेट टेक्निक में तुम एलिमिनेट करते हो एक्यूरेट डेप्रिसिएशन को. बोलो ना, इसमें एंट्री लिखते हो क्या करते हैं? उसके बाद रिवोल्यूशन रिजर्व को डायरेक्टली जनरल में डालते हैं. दो केसेस की नहीं. पहला, एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर की वैल्यू. और दूसरा, जब तुम फुल्ली ट्रांसफर कर दोगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे, तो पूरा पूरा ट्रांसफर कर दोगे. बोलो बेटा. रिवोल्यूशन का ट्रीटमेंट गेन होगा तो कहां जाएगा? पर उसका एक एक्सेप्शन था, पहले डाउनवर्ड किया था, तो इस बार गेन पहले पेंडल में डालेंगे, फिर रिवोल्यूशन सरप्लस में डालेंगे. अच्छा, लॉस को कहां डालते हैं? पेंडल. पर एक एक्सेप्शन रूल, पहले रिवोल्यूशन रिजर्व किया था तो उतने से आ जाएगी, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया. डीरिकॉग्निशन ऑफ पीपी, पीपी को डीरिकॉग्निशन करेंगे तो लॉस और गेन होगा, कहां जाएगा? पेंडल, याद आ रहा है कि नहीं? और रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज करते तो लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और एनआरवी किया था, याद आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा है? चेंजेस इन डीकमिशनिंग लेवल. डिपेंड करता है मॉडल कौन सा है, कॉस्ट मॉडल या रिवोल्यूशन. अगर कॉस्ट मॉडल है तो जो भी गेन और लॉस होगा वो कहां जाएगा? पीपी में एडजस्ट हो जाएगा. गेन लॉस अगर रिवोल्यूशन मॉडल में होगा तो क्या करेंगे? एडजस्टेड इन रिवोल्यूशन सरप्लस. अगर तेरे पास रिवोल्यूशन सरप्लस रखा है तो, इफ देयर इज नो रिवोल्यूशन सरप्लस, देन ट्रांसफर टू पीएनएल. सिंपल. कितना सिंप्लीफाइड हो गया? बोलो बेटा. ये चार्ट समझ लो बेटा. सो ये था तुम्हारा AS10 जो चार दिन में करवाया पर 5 मिनट में रिवाइज भी हो गया, ठीक है? सो दिस इज योर AS10. चलिए, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. जय माता दी. अल्लाह हाफिज़.